गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम आज पाठ पढ़ रहे हैं माटी वाली, ठीक है। किस प्रकार से वह माटी वाली जो है लोगों के यहाँ माटी पहुँचाया करती है, और आज कामनी के माँ ने उसे दो रोटी दिए हैं, जिनमें से एक रोटी जो है वो कपड़े में लपेट ली है और एक रोटी को बहुत देर तक चबा चबा कर खा रही, ऐसा अभिनय करते हुए चाय फूक फूक कर पीती है और कामनी की माँ से कहने लगती है कि चाय तो बहुत अच्छा साग है ठकुराइन जी। भूख तो अपने में एक साग होती है, बुढ़िया जो है भूख मीठी की भोजन मीठा। अगर भूख मीठा है तो वास्तव में भोजन ही मीठा लगता है। और कामनी की माँ से यह कहने लगती है कि तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाज़ार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ऐसे गिलास। तब कामनी की माँ कहने लगती, इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर वापस लौट गए हैं, हमने इस गिलास को नहीं बेचा अब तक, क्योंकि पुरखों की गाड़ी कमाई की यह चीज़ है, हम जो है हराम के भाव में इसे बेचने का दिल जो है नहीं करता है। हमें क्या मालूम कि कितने एक एक पैसे काट काट कर तंगी के दिनों में अपनी जीब भर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन जो है मार कर दो दो पैसे जमा करके हमारे पुरखों ने ये पीतल के गिलास खरीदे होंगे। तमाम चीज़ें उनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो, जरा दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है, और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भाड़े कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। वास्तव में आजकल आप सब जानते हैं कि स्टील कांसे के बर्तन पीतल के बर्तन दिखाई नहीं देते हैं, केवल वो फाइबर और स्टील के बर्तन ही दिखाई देते हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग, आप जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के बर्तन दिखाई देंगे या फाइबर के बर्तन दिखाई देंगे या कांच के बर्तन या चीनी मिट्टी के बर्तन दिखाई देंगे। अपनी चीज़ का मोह जो है बहुत बुरा होता है। मैं तो कभी कभी सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों की मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। चाय खत्म कर लेती है बुढ़िया जो है माटी वाली जो है, एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश जो है उसे मिला था, साथ उसे दो रोटियां मिल गई, उन्हें भी उसने अपने कपड़े में एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जाती रही है। उसके घर पहुंचते ही बूढ़ा जो है कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है, वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही तीन रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी, ऐसा सोचते ही वह बुढ़िया जो है अपने घर की ओर जा रही है, अपनी झोपड़ी की ओर जा रही है। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा, ऐसा बुढ़िया सोचती है कि उसका बूढ़ा किस प्रकार से प्रसन्न हो जाएगा। साथ ही ऐसा ही बोल देगी साग तो कुछ है नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। इस प्रकार से ऐसे जवाब दूंगी, ऐसा सोचकर बुढ़िया जो है मन ही मन जा रही है। उनका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है कि कितना ही तेज चलो फिर घर पहुंचने में एक घंटा तो लग ही जाता है। रोज रोज सुबह सुबह वह जो है अपने घर से पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है, उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक टुकड़ा भी
जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। झोपड़ी जिसमें गुजारा कर लिया करती है, गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगारी करनी पड़ती है। अर्थात उस ठाकुर के जमीन में झोपड़ी बनाई है, इसलिए उस ठाकुर के घर मुफ्त में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, माटी छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से बूढ़िया जो है उनके यहाँ की भी काम बहुत सारे कर दिया करती है। तो बच्चों, इस प्रकार से वह बूढ़िया जो है अपने घरों से जब माटी पहुँचाती है, तो माटी पहुँचाने के साथ साथ उन्हें कहीं किसी के यहाँ चाय मिल जाता है, किसी के यहाँ रोटी मिल जाता है, और उन्हें उन रोटियों में से कुछ रोटी जो है अपने बूढ़े के लिए भी ले आती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।